नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबका एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। मैं किरण ग्रोवर आपके सामने एक विषय लेकर आई हूँ, वृश्चिक लगन वालों के लिए, जो गुरु का गोचर है 2022 13 अप्रैल में जो गुरु का गोचर होने जा रहा है, उसका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के लोगों पर क्या इम्पैक्ट होगा उनकी लाइफ में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिएगा वृश्चिक लगन कहाँ पर है, अगर आपको थोड़ा सा भी जन्म कुंडली का आइडिया है तो जो आपका फर्स्ट हाउस है वहां पे अगर 8 नंबर का अंक लिखा है तो आप वृश्चिक लगन के हैं, और वहीं पर अगर चंद्रमा भी स्थित है तो यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा भी बैठे हैं तो आपकी राशि जो है वृश्चिक राशि है, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है गुरु का गोचर। देखिए गुरु 13 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा इसका इफेक्ट माना जाता है, क्योंकि जुपिटर जो ग्रह है वो अपने आप ही काफी बड़े प्लैनेट हैं और इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में डायरेक्ट रूप से आता है। तो ये पंचम भाव वृश्चिक लगन वालों के लिए, पंचम भाव में गुरु का जो गोचर होगा चौथे घर से वो क्या मायने रखता है। पंचम भाव हमारा है विद्या का है, हमारे संतान का है, प्रेम भाव का है, और इसके अलावा इसको अगर हम राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो गुरु का गोचर जो है 11th हाउस में, यानी कि इच्छा पूर्ति के घर में कोई बड़े लाभ की सूचना आपको मिलने का संयोग बनता है। अब देखिएगा हम कैसे पता करें कि इस गुरु के गोचर का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसको समझने के लिए हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको ये देखना है कि आपके जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है, कि वो स्वराशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, उनकी कौन से घर पे बैठे हैं और उनकी क्या पोजीशन है। दूसरा पॉइंट आप ये देखिएगा कि वो आपके लिए योग कारक है या मारक है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है योग कारक या मारक का, तो आप मेरे पिछले वीडियोस में क्लास 19 के जो मेरे फ्री एस्ट्रोलॉजी ग्रुप की क्लासेस चलती हैं वो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ये काफी फ्रीक्वेंट रहती हैं जिसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दी जाती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्लास 19 को आप देख पाएंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा। तो आप देखिएगा गुरु आपके जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, वो योग कारक स्थिति में है या मारक स्थिति में है। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या है, आप देखिए इसका सबसे अच्छा है कि आप अष्टक वर्गा में इसको चेक करिए कि गुरु जो है मीन राशि में आपको कितने पॉइंट दे रहे हैं। अगर आपके मीन राशि में गुरु के 4 से ज्यादा पॉइंट है तो गुरु डेफिनेटली इस परिवर्तन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं, बहुत ही शुभ रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर 4 से कम है पॉइंट तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा देखिएगा हम देखते हैं कि जो गुरु की जिनकी दशा महादशा गुरु की चल रही है वो लोग इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में आएंगे, और अगर जिन लोगों का गुरु का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है तो उनको उस समय के लिए कहीं ना कहीं उनको गुरु के प्रभाव उनको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए वृश्चिक लगन वालों के लिए अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि इनको नेम फेम प्रसिद्धि मिल सकती है। आप अपनी समझबूझ से अपने विवेक से बहुत ही नेम फेम कमाने वाले हैं और आपका धन के आय के नए नए स्रोत बनेंगे, और आपके जो विद्या भाव के जो स्वामी बनते हैं उसमें आपके कोई ना कोई विद्या से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसको आप क्लियर कर सकते हैं। 11th हाउस में होने की वजह से आपकी कोई भी इच्छा हो, यानी कि कोई भी जॉब मिलने के एग्जाम, जॉब मिलने का अगर कोई योग बनता हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपने क्रैक करना है तो इस गुरु के गोचर में वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। संतान से आपको लाभ होने का उम्मीद बनती है, संतान पक्ष से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, और इसके साथ ही साथ आप जो काम बहुत टाइम से सोच रहे थे वो सब आपके काम जो हैं गुरु के इस गोचर में पूरे होते हुए हमें दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं।